इस टेबल में ट्रे नहीं है भाई, वायरलेस चार्जिंग है भाई, ये देखो। So if you can see in this bucket here, this bucket is bubbling a lot. That bubbling. भाई ये ले जा रहा हूँ, ये इनकी यहीं की ब्रू की है, 5-5 लीटर के पैक हैं। We have Mario's in the house. Andy, how are you feeling about today's game? Fantastic. Alvida Klopp. ओके, हम इस समय हाइट पार्क में हैं। हमने सोचा साइकिल ले लेते हैं। बढ़िया यार, साइकिलिंग इस मौसम में मज़ा आ रहा है। गाइड बिट्टू है हमारा, घोड़ों का बता रहा है, घोड़ों को यहाँ लाओ। और जैसे कुत्ता घुमाने का एरिया होते हैं, ऐसे घोड़ों को चलाने का एरिया है। यहाँ परिवारों के पास अपने अपने घोड़े हैं, बच्चों के पास छोटा घोड़ा, बड़ों के पास बड़ा घोड़ा। वो चेस असली जानवर से खेलते हैं घर में। कहाँ से आ गई है? अबे कबूतर क्यों आ रहा है? यहाँ सारे जानवर हाथ मिलाने, चुम्मा देने आ जाते हैं भाई। बेटा वो मत कर, अभी भेज दूंगा उधर ही। टिकटॉक स्क्वायर आ गए हैं रफाल्गर स्क्वायर में, ये देखो। हिप हॉप की दुनिया में मखौल मचाने के लिए बच्चे रेडी हैं। ओके, वार्नर ब्रॉस एक्टिविटी डन, चेकआउट डन। अब जा रहे हैं हम अपने अगले मिशन में। बिट्टू विशा को और आराधना को बाय बाय कर दिया है। ये आ गया हमारा फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर एंड टीम क्रू। हम जा रहे हैं अब वोल्स वर्सेस लिवरपूल का मैच देखने, एंड वो इसलिए स्पेशल है, पहला तो लिवरपूल के ग्राउंड में हो रहा है। बहुत बढ़िया है। क्लॉप का लास्ट मैच है भाई, वो विटनेस करने जा रहे हैं। बट विल चीयर फॉर वोल्स एंड दैट टू पंजाबी वोल्स। सीन पूरा बताता हूँ। स्टेडियम, ये ट्रेन आई है, इसके बाद हमारी एक और ट्रेन है इंटरसिटी, उसके बाद हम पहुँचेंगे वोल्वरहैम्प्टन। भाई लोगों में एक तमीज सीखने वाली है, सब राइट को खड़े हो जाते हैं, और अगर आपको चलना है तो एस्केलेटर के लेफ्ट में खड़ा होना होता है। ये बहुत बढ़िया सीन है। एंड मेट्रो कार्ड में ही यहाँ नॉर्मल आपके क्रेडिट कार्ड चल जाते हैं। ये बने हुए हैं भाई बच्चे, जिंदा लाश लिवरपूल जाएंगे मैच देखने, वोल्स वर्सेस लिवरपूल। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ वंदे भारत है लेटेस्ट एकदम ट्रेन, वैसे ही ये वाली ट्रेन इनकी। अब देखो, टेक में हमें रुचि है तो टेक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये लेटेस्ट ट्रेन है इनकी, पता कैसे लगा? एक तो नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी है, ठीक है। ये देखो, मस्त नई चमचमाती है। ऊपर कैमरा देखो, 1, 2, 3 ऑन एन एवरेज हर 8 सीट पे एक कैमरा है भाई, पूरे कोच में लाइन से। सो ये बताता है कि लेटेस्ट है, क्योंकि पहले कहीं भी इतने कैमरे नहीं होते थे। एंड इट्स लाइक अ 360 विजन। एक और सबसे तोड़ू चीज़ इस ट्रेन की है भाई, ये इस टेबल में ट्रे नहीं है भाई, वायरलेस चार्जिंग है भाई, ये देखो। नहीं माने? हाँ, बेइज्जती करवाएगा अब ये चार्जर। ये देखो जी, लो जी, चार्जिंग चालू हो चुकी है। हरी स्क्रीन है इसमें, अगर आप पहले से बुक कराओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, दिस सीट हैज बीन अलॉटेड टू समवन। अगर नॉट अलॉटेड लिखा हुआ होगा तो आप बैठ सकते हो उसमें रैंडमली, किसी भी सीट। भाई अभी 1.5 लाख का नुकसान हो जाता। हाई स्पीड ट्रेन में जो मैंने वायरलेस चार्जर दिखाया भाई, अपनी रिस्क पे यूज़ करना, क्योंकि ये ट्रेन जब हाई स्पीड पे मुड़ती है तो टेढ़ी हो जाती है ट्रैक्स पे। तो भाई अगर उधर को टेढ़ी हो गई, सीधा ढक से फोन बचाए गिरते हो, तो इधर की तरफ भी तो कैन वैन पड़े थे, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। ओके, हम पहुंच गए हैं वोल्वरहैम्प्टन। लंदन से तो बिल्कुल ही वीरान है क्या भाई? लंदन में अगर वो कौन सी सीरीज है जिसमें अपोकैलिप्स आ जाता है फंगस की वजह से, लास्ट ऑफ अस भाई, अगर लास्ट ऑफ अस लंदन में शूट हो रही है, सब खाली है यहाँ पे। एक तो हम 11-12 बजे भी पहुँचे हैं, बट या
नॉर्थ आते जाओगे अच्छा लग रहा है, तो ठंड बढ़ती जाएगी, प्रॉपर्टी सस्ती होती जाएगी और भीड़ कम होती जाएगी। तो हम अभी लंदन से तो काफ़ी नॉर्थ में आ गए। गुमनाम है बट यार ये मुझे बड़ा पसंद है यूरोप लंदन के बारे में। फुटबॉल यहाँ की रगों में दौड़ता है, शहर छोटा हो बड़ा हो एक स्टेडियम भरने लायक जनता तो पागल है ही उस एरिया की। अपनी टीम के लिए डेडिकेटेड है, हारे जीते सपोर्ट करने में एक नंबर है। कैसा रहता है हमारा कल का एक्सपीरियंस? अभी 12 बजने वाले हैं, अभी हम चेक इन करेंगे होटल में, सोएंगे एंड सुबह 8 बजे ड्यूटी पे निकल जाएंगे। भाई कौन से रास्ते ले जा रहा है मेरे गाइड बड़े भाई? आइए अल्ले भाई, वॉकिंग था 2 मिनट, ट्रेन स्टेशन से वाह जी वाह, बढ़िया करवाया है। ट्रैम का शहर है वोल्वरहैम्पटन, सुंदर तो लगती है ट्रैम, पोर्चुगल में ट्रैम ही ट्रैम चल। कस्तो मचा है लहिमा आमैया ओ गानियो गानी। ओ जी अपन आ गए हैं, मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है भाई लोग। कितना फिर परौंठे परौंठे ऑर्डर कर दिए हमने, हमें दिखा है इंडियन ब्रेकफास्ट। हमें मिल गए थे एंडी भाई ने हमें बताया रास्ते में कि आप जाओ सीधा, मैं आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ सीन क्या है, हम देखने वाले हैं वोल्स वर्सेस लिवरपूल और क्लॉप का लास्ट मैच है एंड बड़ी कंफ्यूज है मैम सुबह सुबह क्योंकि भीड़ लग गई है। ये सारे लोग वोल्व्स के फैंस हैं और पंजाबी वोल्व्स इनको लेके जा रहा है, हमें भी वही लेके जा रहा है इस एपिक मैच को देखने के लिए। लिवरपूल में है, लिवरपूल के लोग आज पागल होने वाले हैं, रोने वाले हैं आज, वहाँ बारिश से नहीं सीटें आंसुओं से गीली होने वाली है। मुझे बस एक चीज़ का डाउट है भाई, लिवरपूल जाके आप अगर वोल्व्स की जर्सी पहन के घूम रहे हो तो आपको क्या सुनने को मिलेगा? आपको सिर्फ गालियां सुनने को मिलेगी, सिर्फ गालियां। आपको सिर्फ गालियां सुनने को मिलेगी, सिर्फ गालियां। और डर लगेगा सड़क पर चलते हुए, पर हम सुनने के लिए तैयार हैं भाई, तैयार हैं क्योंकि हम जैकेटें ले आए हैं, बंद करके चुपचाप निकल जाएंगे वोल्स के वहाँ पहुँच जाएंगे। बट थैंक यू सो मच पंजाबी वोल्स फॉर इन्वाइटिंग अस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ओए बल्ले भाई, इंडियन खाना मिल रहा है हमें, आलू का राज हो चुका है क्योंकि झंडा गड़ चुका है, आलू का राज है यहाँ, यहाँ पे गोभी का राज है। भाई साहब बड़े दिन बाद हम इंडियन खाना खा रहे हैं, सही लग रहे हैं पराठे, ये देखो जी इसके बीच में स्टफिंग है, बहुत भूख लगी, टूट पड़ते हैं, आइए अटैक। निकल चुके हैं भाई, हमें नहीं पता कहाँ को, बट आई होप लिवरपूल ही जा रहे हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं यहाँ कहाँ गए, हाँ यहाँ पेट्रोल भरने का बड़ा डिफरेंट सीन होता है, यहाँ कोई खड़ा नहीं होता पेट्रोल पंप पे कि हम भर देंगे, आपको खुद भरवाना होता है। और ज़्यादातर पेट्रोल पंप में आपको पैसे पहले देने नहीं, वहाँ जाके देना होता है काउंटर में, अंदर जाके काउंटर पे टेल पे जाके टेल नंबर बता दो और फिर दे सकते हो आप अंदर। यार ये बड़ा थकेली चीज़ है, वहीं होना चाहिए ना, आप गाड़ी में ही बैठे रहो, पेट्रोल भरे और हो जाए। ये है मशीन, देखा आपने यहाँ कैसे निकलती है। ओके सो हम पब पहुंच गए हैं, दिस इज आवर फर्स्ट स्टॉप बिफोर द मैच, एक घंटा दूर है यहाँ से एनफील्ड लिवरपूल, वहाँ पे मैच देखेंगे। बट बिफोर दैट वी हैव टेकन अ स्टॉप ओवर, क्विक स्टॉप ओवर फॉर फूड एंड ड्रिंक्स विद एंडी एंड टीम ऑफ पंजाबी वोल्व्स। चीयर्स मैन, आई लव द प्रोनंसिएशन बिकॉज आई से पंजाबी वोल्फ, बट इट्स नॉट पंजाबी वोल्फ, इट इज पंजाबी वोल्फ, पंजाबी वोल्फ भाई, मजा ही उसमें यार। ओवर द इयर्स you know we started seeing more and more brown faces attending football matches and 6 friends got together and said why don't we set up our own supporter group so we can be a voice for our football club our love really our number one love so and we got together and we set up Punjabi Wolves. Okay. Simple idea. Sir, आप कितने साल से यहाँ पर हैं? मैं जन्म इंडिया था, I was born in India in 1960.
Okay. And I've been here since I was 6 months old. Okay, we are in Chester and Michael has a very cool brewery here, very local brewery. Yeah. Yeah. And what makes it different from all other beers here? So what makes us really unique is this is my fully functioning brewery. So we're brew house and kitchen. Wow. We've got 22 sites across the UK. Okay. Each site has its own brewery with its own brewer that makes the beer unique to that site. Beer has four ingredients: water, grains, hops, and yeast. So we start off with water in our first vessel. This is our HLT. Okay. And this is where we heat up the water. Once that water is really hot in the HLT, we transfer that water into the mash tun. This is like a big open cooking pot. Now, into the mash tun is where we add in our grains. So oats, roasted malts, toasted barley, and we're extracting the sugars from those grains. This is where we add in the hops for flavorings. So we cool it down to 22 to 24 degrees. And inside the fermenter, we add in our final ingredient, which is yeast. So if you can see in this bucket here, this bucket is bubbling a lot. Ooh. That bubbling is the CO2 byproduct of the yeast turning that into alcohol. And CO2 is releasing? CO2 is releasing. Okay. And you do this for every flavor that you create? Every single beer on the bar. That's so cool. That's on the front bar, brew house and kitchen, we brew 11 lines on site. Mera bhai, wheat, barley, oats, jo bhi grain use hote hain, ye sab dekho khule pade hain yahan pe. Inse apni mast beer banti hai. Bhai, ye dekho. ये जब टूर होता है तो ये टूर में ये सब दिखाते होंगे किससे गया आपके. ओके, सो मैं अपने बियर लवर दोस्तों के लिए भाई ये ले जा रहा हूँ. ये इनकी यहीं की ब्रू की हुए 5-5 लीटर के पैक हैं. एंड यहाँ पे पुल एंड टर्न करो, यहाँ से निकल आएगी भाई मस्त. We have Mario's in the house. Yeah, 1, 2, and 3. They're gonna support both and maybe catch the screen attention there. The party is just starting, man. Bhai, we are all set. Hum nikal pade hain ab Liverpool ki taraf. See the epic match and the energy, bhai saab. She'll do a little bit of a talk with you. Okay, yeah. Why not? Yes. Bhai, ab lag raha hai na football match dekhne ja rahe hain. भाई साहब, मैं पहली बार क्लब फैंस की बस में ट्रैवल कर रहा हूँ. इट्स इनसेन, द एनर्जी इज क्रेजी. अभी आपको दिखाता हूँ स्टेडियम के बाहर क्या होने वाला है. सर इज टेलिंग अस दैट लिवरपूल इज फेमस नॉट जस्ट फॉर फुटबॉल, एक और चीज के लिए बहुत फेमस है, वो है द बीटल्स बैंड एंड पॉल मैकार्टनी एंड जॉन लेनन. एब्सोल्यूट. पॉल हैरिसन, जॉन लेनन, रिंगो स्टार. आपका कौन सा फेवरेट गाना है सर बीटल्स का? व्हाट इज योर फेवरेट? हार्ड डेज नाइट. हार्ड डेज नाइट, या. ओके, इसको देख लो भाई. इसका ड्रीम था लिवरपूल में मैच देखने का, इस लड़के का. इसको देख लो, ज्यादा ब्रू हुई हुई चीजें बिल्कुल मत पिए. अब ये जो हम टनल ले रहे हैं, ये हमें रिवर के नीचे से ले जा रही है. फर्स्ट लुक ऑफ लिवरपूल सिटी. ये एवर्टन का ग्राउंड है, होम ग्राउंड. एवर्टन और लिवरपूल के होम ग्राउंड को बस ये पार्क अलग करता है. इस पार्क के उस तरफ लिवरपूल का ग्राउंड है. जब एवर्टन में गेम होता है तो उसके अगले हफ्ते लिवरपूल में गेम होता है, बिकॉज इतना क्राउड मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. और जब लिवरपूल में गेम होता है तो एवर्टन का गेम कहीं और होता है. ये सारी बसेस वोल्व्स की हैं गाइस, या बिकॉज़ होम फैंस थोड़ी बस में आएंगे. ओके सर, व्हाट हैपेंस आफ्टर द मैच इज ओवर? आफ्टर द गेम वी ऑल द फैंस विल गेट ऑन द कोच एंड बिकॉज़ देयर विल बी 60,000 फैंस. Okay. They can't all get away. Yeah. So all the people that travel on the coaches, okay, they will get a police escort, okay, away from the ground to the motorway. And these are mostly Wolves fans. All these are Wolves fans coaches. Liverpool ground का ये रास्ता है इसके पीछे से बस का. भाई ये होती है दीवानगी एक स्पोर्ट्स को लेके. 50 पुलिस की गाड़ियां इन सब बस को एस्कॉर्ट करेंगी, ऑफ कोर्स, बिकॉज एक तो फैंस भी क्रेजी हैं और ताकि ट्रैफिक और वो सब प्रॉब्लम आओ. ये देखो भाई, ये है रास्ता लीडिंग टू लिवरपूल ग्राउंड. लुक एट द नंबर ऑफ कार्स मैन.
अरे गाड़ियाँ, ये तो एक पार्किंग है भाई, एक्चुअली यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर किया जाता है। Where are we? We are at the Liverpool Anfield Stadium. Last game of Liverpool's manager Klopp. Klopp. Andy, how are you feeling about today's game, fantastic, man? Fantastic. Competent. Yeah? Yes, I think we'll always like. Let's go. If you have seen India versus Pakistan ever, yeah, imagine kar sakte ho ki India versus Pakistan cricket match kaisa hota hoga. Then this is into 10 times or maybe into 100 times, I don't know. Wolves aaye hai Liverpool khelne, to Wolves mein jab match hua tha unhone jitni Liverpool ko tickets di thi, Liverpool भी उनको उतनी ही टिकट देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 या 6 हज़ार अगर टिकट दिए, 6 हज़ार दिए फॉर एग्जाम्पल, 60 हज़ार का स्टेडियम है, 6 हज़ार टिकट दिए लिवरपूल ने वोल्स को, तो वोल्स भी नेक्स्ट गेम में लिवरपूल को 6 हज़ार ही टिकट देगा उनके यहाँ। भाई हमारे एरिया में सबसे कम भीड़ है भाई, या तो हमारी बहुत तगड़ी टिकट है। ये देखो प्यासे को क्या चाहिए तेरे को भाई। अगर आपने हमारा जर्मनी वाला ब्लॉग देखा है तो यूके में रूल्स अलग है, आपको यहाँ पे पीना अलाउ नहीं करता है। Let's go! लिखा है भाई वो देख भाई, फर्स्ट नेम लिखा हुआ है क्लॉप का, यर्गन क्लॉप भाई, ये देख YNW है, यू नेवर वॉक अगेन। द अवे टीम इज हियर वोल्व्स, ये पेपर से बना रखा है भाई, ये पेपर से लिख रखा है भाई साहब। अरे लिवरपूल इधर ही मारेगा। Amazing 17. हम ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ बॉल आ जाती है, अगर तेज मारे कोई तो बॉल ही नहीं आ रही, बॉल मार ही नहीं रहा लिवरपूल ने, इस तरफ मारा ही नहीं और उधर मारा है किसी पे बॉल आती। मैं तो पिन लाया था, उसकी हवा निकाल के कट से रखे रखने देते हैं, मोर ये भी चलेगा। अरे जेल में कैसे खेलेगा, अरे भाग लेंगे, भाग लेंगे लिवरपूल लाइन शीट से भाई। आएगी बॉल हरी है, शॉट था यार, रिव्यू में ऐसे करते हैं भाई ये। गाइस मैच के ठीक 5 मिनट पहले ये लोग आने लग जाते हैं और ये ऐसे बैठ जाते हैं देखो, ताकि कोई अगर कूद गया है तो घर दबोचा जाए। ये हर जगह बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, ये जा रहे हैं अपना शिकार ढूंढने।
ओके सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द मैच एंड मैंने आपको कुछ कुछ बारीकी चीज़ें बताई कैसे क्लब फंक्शन करता है, कैसे उस क्लब के छोटे छोटे कम्युनिटी फैंस फंक्शन करते हैं एंड कैसे ये जो छोटी छोटी कम्युनिटी मिलके एक बड़ा फैन बेस बनाती है यहाँ पे। हर्षल मज़ा आया, बहुत ही बढ़िया या Okay, guys. You guys are amazing. Your energy is infectious. Punjabi Wall. Shout out to Punjabi Wall. Yeah. Woo! Guys, let's go for Punjabi Wall. Yeah. Thank you, everybody. Thank you, everybody. Thanks for making this experience a beautiful one. God bless you guys with more energy, more power, and yes, more goals. Thank you so much. Yes, bye. Bye bye Klopp. Alvida Klopp. Lo ji. Epic moment for Liverpool fans. यहाँ हो रहा है, हम बाहर आके देख रहे हैं क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे ट्रेन पकड़ने की, बट फिर हमने कहा 2 मिनट तो हैं, अब जाने देते हैं ट्रेन को। ये होते हैं बस मैच के बाद के हाल। ये देखो भाई, ऐसी दीवानगी। We are sitting inside the black cab. जो आपने लंदन में खाली कैब देखे होंगे। हर्षल यही होता है बस अंदर से उनके। बहुत सुंदर लगता है। यही होता है। यही है भाई, वो जो फूटी हुई कैब है, मैंने ब्लॉग में दिखाई थी। यही है भाई अंदर। फोल्डेबल सीट्स हैं तीन, ये पक्की सीट लगी हुई है यहाँ और यहाँ मीटर चलता रहता है जो कि आपको कहीं का नहीं छोड़ता। 4 घंटे का लिवरपूल का सफर है, ये आपको जरूर दिखेगा। रेडियो भाई, ये रेडियो स्टेशन है हर चल ऊपर। मैकडी खाएंगे और फिर लंदन जाएंगे। गाइस ये ना मैकडॉनल्ड में बहुत सारे ऐसे मिलते हैं पेपर के, इसमें आप केचप डाल लो, बट इसका मैं तरीका बताता हूँ कैसे खुल जाता है। देखते हैं, ऐसे चौड़ा होता जाता है और फिर ये कटोरी से लॉक्स खोल लो, फिर चौड़ा हो जाता है कटोरा बेसिकली। देख रहे हो इतना चौड़ा हो गया ये इससे। अब इसमें आप अपना बर्गर भी डुबा सकते हो, फ्राइज़ भी खा सकते हो, वरना इसमें बर्गर नहीं डुबाया जाएगा ना, इसमें आप डुबा के लगा सकते हो। इस टिप के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने खुद डिस्कवर किया, आई एम अमेजिंग आई नो। भाई गाड़ी देखो और अब मालिक की हरकतें देखो। कहीं छुट्टी पे गया होगा लंबा। ओके सो वी आर एट द टर्मिनल 3 ऑफ लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट एंड लुक व्हाट आई सॉ। भाई ये तो काफ़ी रॉयल लग रहा है, प्राइवेट कोपचे बनाए हुए हैं मस्त। अच्छा है भाई, काफ़ी क्वाइट है। ओके सो वी, ये तो कोपचे वाला एरिया है, शांत। ये हो गया मेन डाइनिंग एरिया। भाई साहब बार लुक्स अमेजिंग। फूड मेन्यू दिखाता हूँ आपको, पहले फटाफट खाना पड़ेगा भाई। भाई साहब बहुत ही बढ़िया। गाइस वर्जिन अटलांटिक का बिजनेस क्लास जो कि सामने खुलता है दूसरे की सीट पे और 4 लोग आपको एक दूसरे की तरफ देख सकते हैं, कोई भी झांक के इधर उधर देख सकता है। आपको जब बेड बनाना है तो पहले तो आपको ये सब फोल्ड करना है, सामने जो भी ट्रे टेबल है, टीवी है, लैच है, ये सब फोल्ड करना है वापस से। फिर जो आपकी ये सीट है उसको आपने ऐसे करना है, उठ के पूरा बाहर चले जाना है बेड बनाने, उठ के वो ऐसे होगी सीट, तब जाके ये आपका फ्लैट बेड बनेगा, फिर आप सो उसके ऊपर, फिर उठते हुए फिर वापस उठो अपनी सीट से, बाहर जाओ खड़े हो, अपने सीट को वापस से पीछे जाके नॉर्मल सीट में कन्वर्ट करो एंड उसके बाद आप वापस बैठोगे लैंडिंग के लिए। ऐसी ट्रॉफी बनाओ हाथ जुड़ी हुई और उस बंदे को दे दो जिसने यहाँ के बिजनेस क्लास डिज़ाइन किए। खिड़की तो देख लो, बिजनेस क्लास में हूँ मैं, मेरी विंडो किसी और के पास चली गई है धुल के, विंडो ही नहीं है। अब नींद निकालेंगे। विश अस गुड लक।